विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के दो दिवसीय दौरे के बाद रविवार को वापस लौटा। मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि मणिपुर मसले को लेकर के राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार नाकाम साबित हो रही है, दोनों की सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने इस मामले पर अपनी आंख बंद कर ली है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 मेंबर संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर गए थे। मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश की प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नीति टूटे, इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते हैं कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सेफ कोई सरोकार नहीं है। जरूर कानून और व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सेफ और सेफ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसका साथ हालात की कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। मैं हमारे देश की प्रधानमंत्री की और सारे ये सरकार को मैं ये सचेत करना चाहते हैं कि मणिपुर की हालात हाथ से बाहर ना निकल दे तो देश के लिए बेहतर होगी, क्योंकि बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है, वहाँ 1250 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करते हैं, अब कहाँ जाओगे? कोई परवाह नहीं करते, क्या हो रहा है नहीं रहे, किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रही है। हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए, मणिपुर के जो हालात, ये हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहाँ की हमारे मणिपुर के जितने जातियां हैं, सदियों पुरानी रिश्ता था और दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। सारे लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सरकार चीफ मिनिस्टर का वहाँ बैठे के उनको चेयर में बैठे हुए देख रहे हैं हम लोग। अभी तक उन्हें ये चीफ मिनिस्टर का बर्खास्त नहीं किया गया, क्यों? सारे मणिपुर की चाहे कुकी हो चाहे मेथी हो, हर संप्रदाय के लोग ये चीफ मिनिस्टर अब मणिपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते थे हमें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोगों के अंदर सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है। सरकार जब भरोसा टूट चुके हैं सरकार के हम लोगों की निगाह में, तो सरकार कैसे चलेगा? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही मणिपुर के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है, जहां तक मणिपुर का सवाल है दोनों सरकारों ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने कहा कि मणिपुर में दो तबकों के बीच जंग चल रही है और दोनों समुदाय के बीच मामले को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति बनी हुई है और जनता डरी सहमी हुई है, लेकिन किसी को वहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे पर भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इस मामले की नाकामी के लिए अभी तक राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, जबकि राज्य के लोगों का उनकी सरकार पर से यकीन उठ चुका है। वहीं दूसरी आरजेडी के प्रवक्ता और प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि स्थिति खतरनाक है और दर्दनाक है। हम लोग दोनों समुदाय के बीच रिश्तों में आई खटास को खत्म करने और उनके रिश्तों को बहाल करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस और दूसरी सियासी पार्टियां मणिपुर में मौजूदा बहरान के लिए सीएम एन बीरेन सिंह को कसूरवार ठहरा रही और विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। vidodeskamarujala.com अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।